गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बाइक्स बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं चमक रही है हमारी जानेमन, दशकारें मार रही है और भाई लोग बंधु भी रेडी हैं निकलने के लिए। बस मैं भी रेडी हूँ। रीज़न मेरा पीछे वाले बैग्स को ना रखने का ये था क्योंकि मेरे को टेंशन फ्री चलानी है बाइक। टेंशन फ्री बोले तो नो पंगे। ठीक है जी, बाइक है रेडी, इसको भी ऑन कर दें, डाल देते हैं हम रोड पे। इसको डाल देते हैं मैक्स पे और निकलते हैं यहाँ से। ऐसा पसीने पसीने हो गया हूँ मैं। पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा बाइक का क्योंकि सामान पूरा लदा हुआ है। नो स्पीडिंग, नो ओवरटेकिंग, बिकॉज रात का टाइम है। और पैनियर्स पे मैंने वैसे भी पीछे रेड लाइट्स अलर्ट लाइट्स लगा दी हैं कि पीछे वाला जो मेरे आए उसको ध्यान रहे, साइड लेना है तो किस हिसाब से ले। हेलो एवरीवन, भाई तो हमारा मिल गया, बाकी आगे हैं। भाई हमारा बाइक तो उनके सामान ले आए, बस पेट्रोल डाला भूल गए। तो अभी दो भाई जो आगे हैं अंकित इज कमिंग बैक टू विद द पेट्रोल, फिर पेट्रोल भरवाएंगे। घर से जब निकले तो सोचा कि रास्ते में मिल जाएगा और रास्ते में कोई दिखा नहीं, जो दिखा आई गेस इग्नोर कर दिया या फिर डिडंट नोटिस इट एनीवेज। बट अभी वो आ रहे हैं, सो वी आर वेटिंग हेयर टू गेट द पेट्रोल सो दैट एंड वी कैन रिज्यूम द राइड। एंड सो फार सो गुड, भूख लग रही थी, कुछ खाया थोड़ा सा एंड इसके बाद फिर राइड स्टार्ट करेंगे। दिन निकल ही चुका ऑलमोस्ट। आगे से ध्यान रखेंगे कि 310 के ऊपर पेट्रोल लेके चलना है। कैनियाँ भी रखी हुई हैं, दो दो पाँच पाँच लीटर की दोनों तरह, पर पेट्रोल नहीं डाला। एनीवेज हो जाता है, पेट्रोल तो कैनी तो मैंने भी रखी हुई है। आई गॉट अ 10 लीटर का कैन, सो फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज इस बाइक का टैंक ऑलरेडी 20 लीटर्स का है, तो अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नारकंडा तक तो नहीं आएगी प्रॉब्लम नगर में जो आएगी वो आई गेस ले से ऊपर आएगी। भाई साहब पड़े पड़े गिर गया। भाई साहब ये जो हुआ है ना, भला यही टल गई है, अभी स्टार्ट ही किया था, ये हमारा पेट्रोल आ गया है। सो थर्ड राइडर इज हियर, फोर्थ राइडर इज ऑलरेडी क्रॉस द सोनीपत एंड इज ऑन इज वे। पेट्रोल डलवाएंगे और जल्दी से निकलेंगे यहाँ से, पेट्रोल भी आधा लीटर। तो गाइस मैं ले आया तुम्हारे लिए। ओ भाओ, फोन अभी गिरा, अभी अभी गिरा, अभी गिरा। अमेजिंग, पेट्रोल रिफिल हो गया है भाई की गाड़ी में। सबसे पहले पेट्रोल, भाई साहब पेट्रोल डलवाना है पहले ही, पहला पेट्रोल पंप आया हमने, पेट्रोल डलवाना है और आपके जो सारे जो कैन है वो रिफिल कर लेने। अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए मूर्थल हवेली।
करण पेट्रोल डलवा रहा है बिकॉज दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। घर से निकला था तो हाँ वो उसका फ़ोन कहाँ से उठाएगा यार, उसका फ़ोन तो गिर गया। मैं कहा भाई ये तो चल जो होना था यही हो गया। राइड हमारी बहुत बढ़िया जा रही है, हालांकि दो बंदे अलग हो गए हैं, मैं और अंकित इकट्ठे आ रहे हैं। हम भी कभी कभी बीच में से ब्लूटूथ इंटरकॉम पे कनेक्टेड हैं, बट कभी कभी बीच में जब जाम लग जाता है तो दूरियां बढ़ जाती है हमारे बीच की तो डिसकनेक्ट हो जाता है उसका। वैसे भी इसके सेना का बैटरी ख़त्म होने वाली है तो वो चार्जिंग पे लगाएगा। दूसरा ट्रैफिक है, लोग zigzag करके गाड़ी निकाल रहे हैं, सबको जल्दी जाना है। हाँ भैया हम आराम से चला रहे हैं पैनियर के साथ, क्योंकि आज सारे दिल्ली वाले निकले हुए हैं और सारे माशाल्लाह ड्राइवर हैं। फाइनली जीरकपुर पहुँचे हैं भाई। एक तो मौसम की वजह से थकावट बड़ी, थकावट तो नहीं बोलूँगा मैं, सुस्ती बड़ी चढ़ रही है तो पैनियर के साथ यही पंगे रहते हैं, बड़ा सोच समझ के देखना पड़ता है आसपास किसी में रगड़ जाएगा। ओके जी, फिलहाल हम पहुंच गए हैं स्टारबक्स। फाइनली स्टारबक्स जीरकपुर, जैसा डिसाइड किया था आ गए हैं। कॉफ़ी भी ले ली है, साथ के दो राइडर्स का कुछ नहीं पता, एक राइडर तो भाई सोलन क्रॉस कर गया। हाँ जी, कॉफी में लाते लाते स्टार लाते भाई सब बाइक पे सो गए थे। कौन ले गया आपको? सो हमारा पेट अड्डा है ये, लाइक आना है जाना है हिमाचल की तरफ, पंजाब की तरफ, कहीं भी जाना है जीरकपुर स्टारबक्स रुकना ही रुकना है। न्यू अपडेट, सो जैसा कि अंकित ने ये बताया कि जो राइडर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया जो कि आगे निकल गए थे फॉर्चुनेटली, अब वो पीछे हैं। ये क्या चमत्कार चल रहा है बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो लोग आगे हैं पीछे हैं, बट अंकित कह रहा है कि वो अब पीछे हैं। सो वी आर वेटिंग हेयर यहाँ पर जो परवाणु का जो टोल है, सो वो लोग आएंगे उनको ज्वाइन करेंगे। सो यहाँ से वी विल बी अ फोर राइडर्स। प्लान अब आगे का ये है कि हम लोग अब एमिगो कैफेज वहाँ जाके अब अपना लंच करेंगे। बाइक मस्त चल रही है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉब्लम हो सकती है लगेज के साथ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट आई बिलीव वो चीज़ जो यूजली होती है वो एक राइडर की राइडिंग स्किल्स पर भी डिपेंड करती है, और दूसरा कि आप किस तरह राइड कर रहे हैं रोड पे और किस तरह की रोड है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे कि मैं हिली एरियाज पे हूँ जहाँ के रास्ता ही बहुत कम है, अगर मैं वहाँ से पास लेने की कोशिश करूँगा जो कि थोड़ा मुश्किल है बाइकर्स के लिए विद पैनियर्स, तो वहाँ डिफ़िकल्टी आ सकती है, वहाँ आपको कोई साइड मार के जा सकता है। बट इन रोड्स पे पीपल आर वेरी हेल्पफुल, पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, उनको दिखता है कि आपने बाइक जा रही है सामने पैनियर्स हैं, एंड देन दे ईजिली स्लो डाउन द कार, दे लेट यू गो। चीज़ों को मैंने अपने दिमाग में डाल रखा था कि ऐसा हो सकता है ध्यान से चलानी है, तेज़ नहीं चला पाऊँगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। गाड़ी मस्त भगाते हुए लेके जा रहे हैं, मैं और अंकित भी सही खींच रहा है, कभी ये आगे कभी मैं पीछे, बस एक जो काम नहीं कर रहा है हमारा मैश काम नहीं कर रहा बिकॉज वी आर प्रेटी मैश मैंने एक बार यूज़ किया है बट वॉकी टॉकी की तरह चलता है। तो तुम्हारी बैटरी लो होगी ना, कितनी देर चार्ज किया? मेरा रात को मैंने चार्ज किया था, मेरा अभी तक चल रहा है। यार मैंने कल भी लगाया था, पता नहीं बैटरी खाता है क्या कर रहा है। आई डोंट नो, तुम कुछ यार मैं कंटिन्यूअसली म्यूजिक सुनता हूँ, म्यूजिक सुनता हुआ आ रहा हूँ,
हम लोग बात करते हैं अभी तक मेरी बैटरी फुल है, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा। करने के बाद राइडर नहीं आए, पता नहीं कहां पर है। करण का सब जो फोन टूट गया था, आई बिलीव वो पंचकुला मार्केट में गंगा फिक्स कराने के लिए बैठ गया था कि हम आ रहे हैं, बट वी आर वेटिंग फॉर लाइक 15 to 30 मिनट। फाइनली मैं तो अमीगोस कैफे पहुंच गया हूं, बट अब ये तभी नहीं आया। वेदर जैसे एक्सपेक्ट किया था रेनी है, बट रेन हो नहीं रही, छुटपुट बूंदाबांदी हो रही है। मज़ा आ गया राइड करके, बम का दम अब निकलना शुरू हो गया। आगे का आगे, ओके आगे सारे। सो द गाय विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन द मॉर्निंग, जो रिकॉन पियो जाके मानेगा, फाइनली रिकॉन पियो ना जाके हमें शिमला में मिल गया है। सो अब प्लान है कि शायद कोऑर्डिनेशन के साथ चलें और एक जगह सब इकट्ठे पहुँचे। ना छोटी सी बसड़ हो गई थी शिमला से, जैसे ही जाम लग रहा है तो जाम में क्या था कि बाइकर्स निकल रहे थे, तो मैंने भी पीछे निकाल दी एंड देन सामने से बस वाला आ गया। हालांकि उसके लेफ़्ट साइड पे काफ़ी जगह थी, बट स्टिल मेरा पैनियर टच होने वाला था और वो वहीं ब्रेक मार के बस का ही खड़ा हो गया। सो मेरे पास स्पेस नहीं बचा था कि मैं बाइक को थोड़ा सा राइट की तरफ लीन कर दूँ, वो लेफ़्ट की तरफ लीन हो रखी थी और बिल्कुल भी स्कोप नहीं था मैं राइट की तरफ कर दूँ ताकि मैं अपना बैलेंस बना लूँ। सो पुश कर नहीं पा रहा था, वो बार बार लेफ़्ट की तरफ लीन हो रही थी एंड देन आई हैव टू ड्रॉप माय बाइक। कुछ नहीं हुआ, इट्स जस्ट बस निकली वहाँ से, मैंने बाइक उठाई वापस स्टैंड पे लगाई, स्टार्ट करी और निकल पड़ा। आई डोंट नो व्हाई दीस ड्राइवर दे डू दिस टाइप ऑफ बातचीत। आपका जब है जगह तो क्यों नहीं आपका ड्राइवर खड़े हो गया वहाँ पे। फाइनली रूम की जद्दोजहद को देखते हुए हमें एक रूम मिला, दो रूम मिले एंड खाने का जुगाड़ भी बगल में एक होटल के अंदर किया, बिकॉज हम लोग लेट हो गए काफ़ी जगह खाने पीते। जब हम शिमला में रुके थे तो शिमला में वहाँ टाइम ज़्यादा लग गया। अच्छा? उसके बाद ये बैठे भाई साहब जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, ये भाई साहब दूसरे। मेरे को भी गिर लिया, कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा अपसेट हो गया। अब कल का प्लान देखते हैं कि कल कितना सक्सेसफुल होता है। एज़ इफ नाउ अब खाना खाते हैं एंड देन उसके बाद फिर बात करते हैं। खा के पेट में थोड़ी एनर्जी आए फिर जाके हम लोगों को बताओगे नहीं क्या बीसी करेंगे। अभी तो फिलहाल कुछ मिल जाए खाने को। हम खा रहे हैं पनीर, हम खा रहे हैं राजमा, हम खा रहे हैं छोले। क्लाउड में अभी सब कुछ आ रहा है रायता रायता है गाइस। और हाय गाइस,